यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं सोनीपत के ऋषिकुल विद्यापीठ में चल रहे एनसीसी कैंप में अचानक 20 कैडेट की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत ही सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर करीब 10 कैडेट को इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है, जबकि बाकियों का इलाज अभी चल रहा है। दरअसल बच्चे शाम को खो खो खेल रहे थे और खेलते हुए अचानक 2-3 बच्चों को चक्कर आ गए, जिसके बाद वो अपने हॉस्टल की तरफ चले गए। फिर एक के बाद एक 20 बच्चे बेसुध हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं शुरुआती जांच में इसे डिहाइड्रेशन से जोड़कर देखा जा रहा है।